नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। डीडी यूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। और सेहत आपकी में हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है कि होम्योपैथी से कैसे त्वचा में निखार लाया जा सकता है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, और इसके लिए न जाने कितने उपाय करते हैं हम सब। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कई बार कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे जो चेहरा है उसका निखार कहीं खो सा जाता है। दाग धब्बे और झुर्रियां हमारे चेहरे को बदसूरत बना देती हैं, और इस बदसूरती को खूबसूरती में बदलने के लिए हम न जाने कितने उपाय करते हैं। दवाइयां खाते हैं, कोई कुछ भी प्रोडक्ट बता दे, हम बिना सोचे समझे उसे अप्लाई कर लेते हैं, अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ताकि जो हमारी सुंदरता है वो फिर से वापस आ जाए। लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि इन सब चीजों से भी हमें कोई आराम नहीं मिलता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से होम्योपैथी से आप अपने त्वचा में निखार ला सकते हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए चलिए चलते हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर उमंग खन्ना हैं जो कि होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे होम्योपैथी से त्वचा में निखार लाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और कैसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि हमारी त्वचा, बहुत से लोगों को ये पहचान में नहीं आता है कि जो हमारी त्वचा है वो किस तरीके की है। तो त्वचा कितने प्रकार की होती है और अपनी तो जो स्किन टाइप है उसको कैसे पहचाने? त्वचा बेसिकली जो है वो पांच प्रकार की होती है। पहली होती है जो नॉर्मल स्किन होती है, जो दूसरी होती है ड्राई स्किन, तीसरी होती है ऑयली स्किन, और चौथी होती है मिक्स्ड स्किन, और पांचवी होती है सेंसिटिव स्किन। अब इसमें आप इसको कैसे पहचाने यह बात आती है। जो नॉर्मल स्किन होती है वो तो हमारे सारे दर्शकों को पता है कि सामान्य स्किन होती है। जब आपको कोई असुविधा महसूस ना हो अपनी त्वचा में तो आपकी स्किन नॉर्मल है। फिर आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन आप ऐसे पहचानेंगे, यानी रूखी त्वचा, जब आप अपनी स्किन को लेंगे और यूं करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और छोड़ेंगे, तो अगर इलास्टिसिटी उसमें नहीं है तो एक तो ये डिहाइड्रेशन की पहचान हो गई और दूसरी ये ड्राई स्किन की पहचान हो गई। जो ड्राई स्किन होता है उसमें आपको पोर्स नहीं दिखते हैं और स्किन क्रैक दिखती है, स्किन जो है फटी हुई दिखे, तो यह हो गई ड्राई स्किन। तीसरी बात आती है मिक्स्ड स्किन। मिक्स्ड स्किन का ये बात हो गई कि किसी आपके शरीर के पार्ट में स्किन ड्राई है और कहीं पे स्किन मॉइस्ट है। ऐसा भी होता है कि जैसे मरीज आके कहते हैं चेहरा बहुत ड्राई है और बाकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो एक तरह की स्किन यहाँ हो गई। इसको भी आप पोर्स से पहचान लेंगे और इलास्टिसिटी और क्रैक से और सेंसिटिविटी से पहचान लेंगे। फिर एक आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन स्किन की वो स्थिति होती है कि जब आपकी त्वचा जरा सी भी धूल आई तो आपके कोई पित्ती उछलने लगी, छपाकी हो गई, आपके इचिंग होने लगी, रैश हो गया, लाली आ गई, इस तरह की एलर्जीज हैं। और ऑयली स्किन की पहचान, स्किन अगर आपके पोर्स आपको बड़े दिख रहे हैं, स्किन में जो आपके रोम छिद्र हैं वो आपका बड़े दिख रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके ऑयली स्किन है। तो इस तरह से यह जो पांच तरह की स्किन होती है, और यह जो 20 फीट का ऑर्गेन है, एक बात यहाँ दर्शकों को बता दें, स्किन जो है, त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, वो 20 फीट कवर करता है एरिया। तो आपको इसको स्वस्थ रखना है और ठीक रखना है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कितने टाइप की स्किन होती है और उसको कैसे पहचाने कि आपका स्किन टाइप क्या है। तो सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि त्वचा जो खराब होने लगती है उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, त्वचा खराब होने के आज के वक्त में बहुत से मुख्य कारण हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण मैं कहूंगा वह है पॉल्यूशन। अच्छा। हम लोग कार्बन सल्फाइड के बीच में जो है वह जी रहे हैं, तो पोल्यूशन, और पोल्यूशन में जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और क्योंकि इंसान सांस लेता है और हमारी स्किन हवा के ही कांटेक्ट में रहती है, तो अगर पोल्यूटेड स्किन है, पोल्यूटेड वेदर है, पोल्यूटेड एयर है, तो आपकी स्किन जाहिर सी बात इफेक्ट होगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आती, तनाव। हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो जो आपकी स्किन की इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ मैं जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अपनी स्किन तीन लेयर्स पे क्लासिफाई होती है। ये तो इपिडर्मिस हो गई, फिर डर्मिस हो गई इसके अंदर, और एक हो गई हाइपोडर्मिस।
तो हमारी जो इपीडर्मिस है इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस है यहाँ जो है ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वहाँ आपके स्ट्रेस के कारण जो ब्रेन में सिग्नल जाते हैं तो ग्लैंड्स में आपका ऑयल और तमाम जो स्किन के मेंटेनेंस का कुदरत सिक्रीट करती है ऑयल्स को वहाँ डीरेंज हो जाते हैं और आप तनाव में आ जाते हैं। तो एक कारण ये होता है। तीसरा कारण होता है आजकल हम लोग व्यस्तता में पानी पीना भूल गए, बहुत बड़ा कारण है। अगर स्किन हमारी हाइड्रेटेड नहीं है तो स्किन अच्छी नहीं हो सकती। जी जी। चौथी बात आ गई ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। हम लोग तरह तरह की दवाएं खाते हैं, बेसमझे खाते हैं, एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और 5-10 रुपए की पुड़िया बनवा लेते हैं और दवा खाने लगते हैं बिना जाने समझे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्किन खराब होने का। इसके अलावा हम लोग अपनी स्किन की सफाई बहुत जरूरी है। होता क्या है जो हमारे सेल्स होते हैं ये डेड होते जाते हैं, डेड होके ये कुदरत इनको हटाती जाती है लेकिन कभी कभी एक्सफोलिएशन नहीं हो पाता है और जो सेल्स हमारे जमा रहते हैं डिपॉजिट रहते हैं स्किन के ऊपरी लेयर पे एपिडर्मिस पे तो यह स्किन को खराब करते हैं। और एक बात है सनलाइट, एक अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। लोग धूप को अच्छा मानते हैं, बिल्कुल सही धूप को अच्छा मानते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा इंसान ने सब कुछ पल्यूट कर दिया है सिर्फ धूप के अलावा। आपकी एयर पल्यूटेड है, आपका वाटर पल्यूटेड है, आपका सॉइल पल्यूटेड है, लेकिन धूप एक ऐसी चीज है सनलाइट जो आज कोई पल्यूट नहीं कर पाया है। तो लेकिन हम लोग जो गलती करते हैं वो ये कि सुबह की धूप हमारी स्किन को नहीं मिल पाती तो वो भी एक कारण है। जब आपका विटामिन डी कैल्सिफेराल नहीं बनेगा तो आपकी स्किन खराब होगी। तो इस तरह तमाम सारे कारण हैं जो स्किन को खराब करते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कि बात है जो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि होम्योपैथी से त्वचा में कैसे निखार लाया जा सकता है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी है क्या और किस तरीके से होम्योपैथी जो है वो हमारी त्वचा का जो निखार है वो वापस ला सकती है या फिर जो निखार है उसको मेंटेन कर सकती है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल उठाया मैडम आपने। होम्योपैथी है क्या पहले इस बात पे कर लें। होम्योपैथी वो पैथी है जो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्किन की दिक्कतों को खत्म करके आपके चेहरे को आपका मन चाहे इच्छा वाला जो है खुशी वो आपके दिल को प्रदान कर सकती है। यही समझ लें आप तो होम्योपैथी है। अब आया विकल्प की परेशानी। अब हमारे दर्शक जो सेगमेंट शायद इंतजार कर रहे होंगे कि आपको तकलीफें हैं उनको कैसे हल करें, तो मैं एक एक तकलीफ उठा लेता हूं उसके बारे में बता देता हूं। सबसे बड़ी जो हमारे परिवार और समाज की महिलाओं को दिक्कत होती है मुझे लगता है स्किन की, वह है हाइपर पिगमेंटेशन, चेहरे पे झाइन, चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स। और इसके लिए होम्योपैथी से बेहतर इलाज नहीं हो सकता। होम्योपैथी में एक दवा आती है, हमारे दर्शक नोट कर सकते हैं इस दवा को, होम्योपैथी में एक दवा आती है सीपिया। अगर आपके चेहरे पे झाई है, ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो आप सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ब्राउन स्पॉट जाने लगेंगे और आपका चेहरा चमकने लगेगा। दूसरी हसरत जो किसी में हो सकती है वह है रंग का गोरा होना। वैसे तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि एक बड़ी नामी गिरामी क्रीम से जो है वो फेयर वर्ड हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक इस समाज का आप अच्छा कहिए बुराई कहिए लेकिन ये फैक्टर परसिस्ट करता है, ये फैक्टर है। तो अगर आपको रंग को गोरा करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आती है आयोडम, नंबर एक दवा है ये। अगर आपके रंग ढका हुआ है और थोड़ा सा आप उसको फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, किसी परिवार में किसी लड़की बच्ची की शादी होने में दिक्कत हो रही कुछ इस तरह की, तो आप 6-8 महीने का वक्त लेके आयोडम दवा की 3 खुराक 1 EM पावर में 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इससे आपका रंग 6-7 महीने में खुल जाएगा, थोड़ा फेयर की तरफ आ जाएगा। तीसरी समस्या जो मुझे लगता है आती है स्किन में वह गड्ढे। जी। स्किन में पिंपल्स आए, एक्ने आए, उसके स्कार्स हो गए, फेस पिट्स हो गई। तो अगर आपके चेहरे पे गड्ढे हैं त्वचा में तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैलिसिया। आप सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा वक्त के साथ आपके चेहरे के गड्ढों को भर देगी। चौथी बात आती है चेहरे पे दाने। चेहरा बड़ा खूबसूरत है साहब, रंग भी बड़ा गोरा है, लेकिन चेहरे पे आ गए दाने। तो अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स आ रहे हैं तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, या मैं कहूं दवाएं हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से नंबर एक दवा है एंटीम क्रूड। अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स हैं तो आप
एंटीम क्रूड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, साथ में काली ब्रोमेटम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, इससे आपके चेहरे के पिंपल्स जाने लगेंगे। फिर जी और एक समस्या स्किन में आती है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। हमारे दर्शक हमें मालूम है, नोट कर रहे होंगे। तो वो काले घेरे दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिडम एसिटिकम। जिन भी हमारे दर्शकों के परिवार के समाज की महिलाओं के आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो हालांकि इसके बहुत से कारण हैं, ये जो मैं दिक्कतें बता रहा हूँ, जैसे नींद ना आना एक कारण है, स्ट्रेस एक कारण है, लेकिन किसी भी कारण से आपके काले घेरे आ गए, तो आप एसिडम एसिटिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, यह दवा आपको लाभ देगी। फिर एक बात आती है जी, कि अगर आपने चेहरे पे कॉस्मेटिक बहुत जीवन में यूज करा है, आप बहुत कॉस्मेटिक जीवन में लगाएं और अब आपको लग रहा है साहब हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं आ पा रही, वो ग्लो नहीं आ पा रहा जो होना चाहिए, और अब आप कॉस्मेटिक से भी तंग आ गए, तो उस समस्या से कॉस्मेटिक्स के एप्लीकेशन के द्वारा खराब हुए चेहरे को ठीक करने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बोविस्टा। आप बोविस्टा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। ये ओवर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स ऑन द फेस, कॉस्मेटिक्स का त्वचा पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल से खराब हुई त्वचा को ठीक कर सकती है। फिर एक बात आती है मैम जी, कोई भी ओल्ड एज नहीं होना चाहता, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी जो है ये नहीं चाहता उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं, कोई भी नहीं चाहता उसकी उम्र ज्यादा दिखने लगे जी, जी। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी उम्र चेहरे से ज्यादा दिख रही है, झुर्रियां चेहरे पे होने के कारण, रिंकल्स चेहरे पे होने के कारण, फाइन लाइंस चेहरे पे होने के कारण, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके चेहरे की फाइन लाइंस को दूर करेगी और आपके चेहरे को साफ करेगी। फिर एक बात आती है मैम, चेहरे पे चमक, चेहरे पे शाइन, ग्लो आपको चाहिए जी। तो अगर आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए तो उसके लिए मैं दो बातें बताऊंगा, एक तो आपको दवा बता रहा हूं और एक आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो एक हफ्ते के अंदर आपके चेहरे पे चमक ला देगी हमारे दर्शकों के। पहली चीज तो खुशी, आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। साथ में होम्योपैथी में एक दवा आती है सरसा पैरेला। सरसा पैरेला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार यदि आप ले लेते हैं तो इससे आपके चेहरे पे दो से तीन महीने में शाइन आने लगेगी। दूसरा एक नुस्खा है जी। बहुत अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस दूरदर्शन के मंच पे कह रहा हूँ, अगर आपको चेहरे पे चमक लानी है और बच्चे की अपनी स्किन एक 6 महीने के बच्चे जैसी अच्छी कर लेनी है, तो आप एक हथेली लीजिए, हथेली में आप थोड़ा एक चम्मच दही लीजिए, दही यानी योगर्ट जी जी। और उसमें आप 4-6 बूंद हनी यानी शहद डाल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एनर्जाइज करके 15 मिनट चेहरे पे लगा के उसको धो लीजिए नॉर्मल पानी से। ऐसा आप एक हफ्ते तक करिए, आप देखेंगे 6 महीने के बच्चे जैसी स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं जिन परेशानियों की, तो क्या कोई एज लिमिट होती है कि इस एज से खानी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर थोड़ी एज के बाद भी अगर शुरू करें, जैसे अगर हम बात करें 30 साल से खानी शुरू कर देनी चाहिए, 40 साल से भी अगर शुरू कर रहे हैं तो उतना इफेक्टिव होती है कि नहीं होती है? हाँ मैम, होम्योपैथी जो है एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक बहुत अच्छी है जी। और रही बात इस्तेमाल की, तो जब आपको अपने में समस्या दिखे जी, तभी आपको दवा लेनी है जी। कुछ और समस्याएं अगर हमारे दर्शक मुझे लगता है उनको होंगी, उसमें से मैं एक दो और क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी हम लोग बात कर लें एक्ने के विषय में, जो स्किन पे दाने, क्योंकि हर 15-16 साल की बच्ची, 12 साल जहाँ हार्मोनल चेंज होते हैं तो चेहरे पे दाने आ जाते हैं, वहाँ परेशान रहते हैं। तो अगर आपके स्किन पे एक्ने हैं, अगर आपके फोरहेड पे एक्ने, अगर आपके माथे पे किसी के, दर्शक के हमारे या परिवार में किसी के दाने आ रहे हैं, तो उसको दूर करने की दवा नेट्रम्यूरेटिकम, नेट्रम्यूर 1 mg, उसकी एक खुराक आप वीकली ले लीजिए, आपके माथे के दाने, फोरहेड के दाने चले जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह तमाम दवाएं होम्योपैथी में हैं जो कि आप रहन सहन और अपने जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ इन दवाओं को करके आप चेहरे पे चमक ला सकते हैं। अच्छा।
तो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे बात तो उन्होंने उपाय के साथ साथ आपको दवा के नाम भी बताए कि जो दवाएं हैं वो आप कौन सी, आपकी क्या परेशानी है उससे आप वो दवाएं भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि होम्योपैथी के साथ एक बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है, ये तो आप ही बता पाएंगे कि मिथ है कि सच है, कि होम्योपैथी की दवा बहुत टाइमली लेनी चाहिए, यानी कि अगर आपने आज 12 बजे खाई है तो कल भी 12 बजे खानी है। और बहुत सारे ऐसे खाने की चीजें होती हैं जो अगर आप होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तो वो खाना आप नहीं खा सकते। मतलब अगर कहे कि कौन से फूड्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो। देखिए यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं, आजकल एक ट्रेंड भी चला है, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता हूँ कि आपको जो पंजेंट फूड होते हैं, जो स्ट्रांग पंजेंट स्मेल वाले फूड होते हैं जिनकी महक बहुत तेज होती है, उन फूड्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्किन के लिए भी और अपने सेंसरी सिस्टम के लिए भी। जैसे स्किन के लिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह जो जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, दालचीनी हो गई, इस तरह जो तेज महक वाली चीजें होती हैं ये आपके सेंसरी सिस्टम को ऑल्टर करती हैं, और जब आपका सेंसरी सिस्टम ऑल्टर होगा तो आपके बॉडी में डिरेंजमेंट आएगा। तो आपको जो है स्ट्रांग पंजेंट फूड, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हो चाहे ना ले रहे हो, इनको अवॉइड करना चाहिए, और दवा के साथ आधा घंटे का फासला करके आपको इस तरह का कोई भी चीज लेनी चाहिए या कुछ भी खाना आधे घंटे बाद चाहिए। और एक चीज स्किन की बात हो रही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे और जोर देनी चाहिए इस प्रोग्राम में, मैं समझता हूँ, वह है मॉइस्चराइजेशन, स्किन का मॉइस्चराइजेशन। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तभी वो अच्छी रहेगी। अब एक विषय और आता है, मैम मॉइस्चराइज करें कैसे स्किन, तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हमें थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। आयुर्वेद के 5 सिद्धांत यहाँ पर बहुत कारगर हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, और जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो वो स्वतः वियर एंड टियर नहीं होगा, वह चमकेगी। उसमें 5 चीजें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यह आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी और आपकी स्किन को भी अच्छा करेंगी। सबसे पहली बात है, नहाने से पहले अगर आपको अपनी स्किन को चमकदार रखना है तो आप पूरे शरीर में देसी घी या तिल के तेल का थोड़ा मालिश कर लें, और उसके बाद जब आप नहाते हैं तो आपका घी तो धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा, आपके कपड़े नहीं खराब होंगे, लेकिन आपके स्किन की जो मॉइस्चराइजेशन है वो आपकी स्किन में रह जाएगा। और दूसरी एक बात है इसमें कि तिल का तेल मैं क्यों बोला, तिल का तेल मैं इसलिए बोला क्योंकि तिल का तेल वात पित्त और कफ तीनों दोषों को खत्म करता है। दूसरी बात जो होता है कि जब भी आप सोने सुबह उठें तो अपनी नाक में 2 बूंद घी डाल लें, क्योंकि ये भी स्किन होती है, बहुत लोगों के यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, तो आप नाक में 2 बूंद देसी घी डाल लेंगे तो आपके स्किन में क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका यह लाइनिंग भी मॉइस्चराइज रहेगी। तीसरी बात, आप कुल्ला कोई भी ऑयल को डाल के थोड़ा सा कुल्ला कर लें ताकि आपकी थ्रोट भी पूरी मॉइस्चराइज हो जाए, और आइस में आप गाय का देसी घी 1-1 बूंद डाल सकते हैं या कोई आई ड्रॉप डाल सकते हैं, तो आइस आपकी मॉइस्चराइज हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो है वो स्किन का 5 लाइनिंग मॉइस्चराइज रहेंगी सेंसरी ऑर्गन्स, और आपका स्किन बेहतर किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, दवाइयों के भी नाम बताए कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो आप ले सकते हैं, और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ जो मिथ जुड़े हुए हैं उनका भी उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल वाली चीजें आपको नहीं खानी है। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बताया कि किस तरीके से मेडिसिन को कब खाना है, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हेल्प कर सकती हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान का कितना बड़ा रोल है हमारे स्किन को डैमेज करने में, और ऐसा क्या खान पान है जिसको हम अगर ज्यादा इंटेक ना करें तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोई रहेगी और चमक, जो चमक है स्किन में वो बरकरार रहेगी। जी हाँ मैम, खान पान अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि खान पान ही स्किन का पोषण करता है। जो चीज पोषण कर रही है स्किन की, अगर वो उसी में हम कमी कर देंगे तो स्किन कैसे अच्छी रह सकती है। तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो एक गलती हम लोग अब कर रहे हैं कि एक नया ट्रेंड चला है कि रोस्टेड फूड खाओ, बहुत ज्यादा रोस्टेड फूड खाओ, ऑयल को बहुत कम कर दो, और लोगों ने ऑयल को इतना कम कर दिया है खाने में अब कि उनकी स्किन ड्राई रहने लगी है। ऐसा ना करें, आप खाना अच्छे तेल में पकाएं, बस वो तेल अच्छा हो, कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, देसी घी है, जो आप अफोर्ड कर पाएं उसमें अच्छे घी डाल के खाना पकाएं, ताकि आपकी पूरी एलिमेंट्री कनाल और अंदर से सारे ऑयल्स और सारी कमियां पूरी हों और स्किन आपकी चमके। तो उसको रोस्टेड फूड पे बहुत ज्यादा जोर ना दें, उससे बेहतर आप वर्कआउट, थोड़ी सी मेहनत, एक्सरसाइज और कर लें और खाएं अच्छा। दूसरी बात, पानी बहुत पिएं।
पानी अगर आप पीते हैं तो उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका जो बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो सारी यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकल जाएगी, और आपकी जब बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी तो स्किन डिटॉक्स हो जाएगी, और स्किन डिटॉक्स करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। अच्छा, अगर जिसको लगता है उसकी स्किन ड्राई है, जिसको लगता है उसकी स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं, जिसको लग रहा है उसके इचिंग हो रही है, इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उसकी बहुत अच्छी दवा है सल्फर। आप सल्फर स्किन डिटॉक्स के लिए ले सकते हैं। साथ में खान पान में तमाम चीजें हैं, आप खाएं। आजकल तो जाड़े का वक्त है, खूब सारी हरी सब्जियां आ रही हैं और अफोर्डेबल हैं। जैसे एक मैं कहूँ हरी धनिया, इस समय हरी धनिया बहुत सस्ती है बाजार में, आप हरी धनिया की चटनी साथ में खाएं। दालों का सेवन करें जिसमें कि अरहर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी के और स्किन के, तो आप प्रोटीन को लें। मैडम ने कैरेट बताया, अभी कैरेट बहुत काम की है, उसको खाएं आप, उससे आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा, बीटा कैरोटीन से आपका जो है वो चेहरा चमकेगा। विटामिन सी हम सब जानते हैं, अगर आपके होंठ में क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो विटामिन सी जरूरी है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप आंवला खा लें। यह सब वो चीजें जो आम जनता के लिए अफोर्डेबल है, कोई भी इसको खरीद सकता है, बस हम लोग ध्यान नहीं देते। उसके बाद अगर एंटीऑक्सीडेंट की आप बात करें, तो एक चीज आती है हमारे दर्शक समझते होंगे, हरी गोभी, ब्रोकली। जाड़े का वक्त है, ब्रोकली बाजार में अफोर्डेबल रेट पर है, आप खरीद सकते हैं, ब्रोकली का सेवन करें। साग खाएं, पालक, मेथी, क्या नहीं इस समय आ रहा है, टमाटर टमाटर आप खाएं। टमाटर में पिगमेंट होते, कहते नहीं गाल लाल करने, तो आप टमाटर का सेवन शुरू कर दें। टमाटर जैसे गाल जब मही दे दी गई तो बड़ों ने गलत नहीं दी है, तो टमाटो का सेवन करें, और तनाव से दूर रहें, खुश रहें, मस्त रहें, धूप से बचें, धूप से बचें डायरेक्ट धूप से, ताकि स्किन में आपके बंट्स ना आए, और अगर बंट्स आ गए तो उसकी दवा है कैंथेरिस। और एक चर्चा में रह गई थी दवा, वो बोलना बहुत जरूरी है, वरना जो हमारे होम्योपैथी के जानकार साथी हैं वो टोकेंगे जरूर। और चेहरे पे चमक लाने की, चेहरे पे बढ़िया रखने की अल्टीमेट दवा है बर्बेरी सेक्यूफोलियम। अगर आपको अपने चेहरे को अच्छा रखना है, और इंग्लैंड की महारानी भी यूज करा करती थी। अच्छा, हाँ जी, तो बर्बेरिस एक्यूफोलियम एक ऐसी दवा है जो आप 20 बूंद सुबह शाम मदर टिंचर फार्म में आधा कप पानी में ले लें, और 5 बूंद कॉटन से लेके अपने फेस पे लगा लें, तो आपके चेहरे के दाग धब्बे भी चले जाएंगे, चेहरा आपका चमक भी जाएगा। और एक चीज जिसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं वो है गुलाब। गुलाब जल जो है वह स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियोपेट्रा जो मेसोपोटामिया की जो है वो महारानी हुआ करती थी, जिनको आज तक उपमा दी जाती है कि आप कभी उनका एज ज्यादा नहीं हुई, एज होने के बावजूद वो गुलाब अपनी शिप में रख के चलती थी, अपने जो जहाज, उनका पहले तो हवाई जहाज नहीं होते थे, जहाज हुआ करते थे पानी वाले, तो जहाज में गुलाब रख के चलती थी। तो गुलाब का ऐसा, तो गुलाब जल आप जिस भी रूप में निकाल लें, बहुत से वीडियोस तमाम YouTube वगैरह पे पड़े हैं सबके, कि गुलाब जल आप घर में कैसे अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो ना बनाए तो आप बाजार से लाएं, लेकिन गुलाब जल को चेहरे पे अप्लाई करें, इससे आपके चेहरे पे चमक आएगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, आपका भी, और हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए कैसे वो अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डॉक्टर साहब ने बताया वो जरूर आपके काम आएगा। कई सारी दवाइयां भी उन्होंने बताई कि अगर ये परेशानी है आपकी तो आप कौन सी दवा ले सकते हैं, और क्या खान पान अपना रख सकते हैं, कितना स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आपकी त्वचा में निखार ला सकता है। जैसे कि आज हमने बात की कि होम्योपैथी से कैसे त्वचा में निखार लाया जा सकता है, उस बारे में सारी जो नॉलेज थी, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने आपको दे दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो पसंद आया होगा, क्योंकि हम हमेशा जो हमारा स्लोगन है कि DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी, तो हर हफ्ते हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे जरिए हम आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचा पाएं जो आपके काम आए, और आपके जितने परिवारजन हैं, जितने लोग आप आपस में जानते हैं एक दूसरे को, सबको आप हेल्प कर पाए। और जो स्किन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंसान जैसा दिखता है वैसा ही लोग पहले उसको देखते हैं, बाद में उससे बात करते हैं, तो पहला जो परसीव होता है, पहला जो एक दिमाग में चीजें आती है वो देख के ही आती है। तो सुंदरता का ध्यान रखिए, जैसे कि बोला है होम्योपैथी से इलाज करिए अगर कोई दिक्कत है, और खान पान को अपना जो है वो अच्छा रखिए। तो इसी नोट पे आपसे इजाजत लेते हैं कि फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, और देखते रहिए DDUP। नमस्कार।